सो हेलो एवरी गेमर्स, चलिए बात कर लेते हैं फ्री फायर में आए हुए कुछ और नए लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में। एंड हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई मेजर सा अपडेट वगैरह तो नहीं देने वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OB19 में आने वाले कुछ नए अपडेट्स की, और कौन कौन से नए अपडेट हम लोग को गेम के अंदर देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल में जानेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड हाँ गाइज, माफ़ करना, इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रूफ नहीं दिखा पाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन अपडेट्स के बारे में बात करूंगा जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 100% नहीं है, ठीक है ना। जो जो अपडेट 100% आ रहा है उसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा लॉबी चेंज होगा, विंटर थीम पर बेस्ड होगा, या फिर हमारा जो होम स्क्रीन है वो चेंज होगा, या फिर एयर ड्रॉपर वगैरह जो है वो चेंज होंगे, एरोप्लेन का जो भी टेक्सचर है वो चेंज होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है गाइज। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं उन सारे अपडेट के बारे में बात करूंगा जिसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट वो गेम के अंदर आएगा भी या फिर नहीं आएगा उसके बारे में फिलहाल कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड्स, अदरवाइज यार आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि यार इस वीडियो में मैं सिर्फ उन सारे अपडेट के बारे में बताऊंगा जिसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आने की, बट वो 100% कंफर्म नहीं है, इसलिए यार मैं आप लोगों को प्रूफ भी नहीं दिखा पाऊंगा। दैट्स व्हाई यार मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं अपना सबसे पहला अपडेट स्टार्ट करना चाहूँगा फायरिंग बटन इन व्हीकल से। तो गाइज, आप लोग को पता होगा फ्री फायर गेम के अंदर अगर हम लोग किसी फोर व्हीलर व्हीकल में बैठते हैं, चाहे वो जीप हो जाए या फिर लैम्बोर्गिनी कार हो जाए या फिर टोटो हो जाए या फिर जो भी कार ले लो आप लोग, मॉन्स्टर ट्रक हो जाए, तो यार उस पर जब हम लोग बैठ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग फायर नहीं कर पाते, फायर का ऑप्शन नहीं देता है। एंड गाइज, मैं बात कर लूँ किसी और बैटल रॉयल गेम की, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, फॉर्टनाइट की, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो इससे ये सारे जितने भी गेम हैं फ्रेंड्स, इन सारे के सारे गेम्स में ये ऑप्शन दिए हुए कि हम लोग कार में बैठकर आराम से एनिमी को शूट कर सकते हैं, बट यार फ्री फायर ही गेम ऐसा है जहाँ पर ये सारी ऑप्शन नहीं दी गई है। तो गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑप्शन हम लोग को गेम के अंदर जल्दी देखने को मिलेगा। अब गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आलो करेक्टर जब आने वाला था उससे पहले एक ट्रेलर रिलीज किया गया था, और भाई उसमें क्या मस्त सा सॉन्ग ऐड किया गया था, अभी भी लॉबी में वही सॉन्ग बजता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस सॉन्ग को सुनकर। खैर यार, उस ट्रेलर में आप लोगों ने देखा होगा हयातो जो भी करेक्टर है वो लैम्बोर्गिनी कार पर बैठकर लॉन्चर यूज़ कर रहा था, देख सकते हो गाइज आप लोग, ये स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यार गैना वाले यूं ही कुछ नहीं दे सकते ना, तो हो सकता है यार OB19 के अपडेट में या फिर OB19 के अपडेट में नहीं दिए तो OB20 के अपडेट में हम लोग को कोई एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिले जहाँ पर हम लोग कार में बैठकर फायर कर सके। क्या मज़ा आएगा यार, सोचो कार में बैठे हुए एक हमारा जो टीममेट है वो कार से सबको चढ़ा चढ़ा के मारे जा रहा है और हम लोग कार में बैठकर सबकी खोपड़ी तोड़ के मारे जा रहे हैं, क्या मज़ा आएगा यार। तो ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स फ्री फायर गेम के अंदर आने की, क्योंकि यार गैना वाले ना बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर ऐड करते जा रहे हैं दिन ब दिन, और यार यही तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर गैना वाले अच्छे अच्छे अपडेट नहीं लाएंगे गेम के अंदर तो यार यू नो वेरी वेल कुछ दिन बाद गेम की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये फीचर जल्द ही गेम के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएगा और हम लोग आराम से कार में बैठकर फायर कर पाएंगे एनिमी को। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कब तक ये फीचर हम लोग को गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। तो यार बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगले अपडेट में मैं रखना चाहूँगा करेक्टर वॉइस सिस्टम को। तो गाइस आप लोगों को पता होगा बहुत दिन पहले मैंने आप लोग को एक लीक दिया था और उस लीक में बताया था शायद से हो सकता है करेक्टर के अंदर कुछ वॉइस सिस्टम हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट किल किया तो बोले आई गॉट अ फर्स्ट किल, या फिर अगर उसने ड्रॉपर लूटा तो कुछ बोले, तो ऐसा कुछ वॉइस सिस्टम गाइस मैंने इसका लीक दिया था और आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका लीक दिया था। तो हो सकता है यार OB19 या फिर OB20 के अपडेट में हम लोग को ये फीचर देखने को मिला है और जो भी करेक्टर का वॉइस सिस्टम है वो हम लोग को देखने को मिला है। एंड गाइस, जिन फ्री फायर प्लेयर्स के पास आलोक करेक्टर होगा ना, उनके इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि यार बीच बीच में ना आलोक कुछ बोलता है, आप कौन से लैंग्वेज बोलता है आई डोंट नो, बट यार अजीब सा चिंग चौंग चिंग कुछ अजीब सा वो बोलता है यार, मज़ा आता है सुनने में, और कुछ उस टाइप का वॉइस सिस्टम उस आलोक करेक्टर में डाला गया। अगर आपके पास आलोक का फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपने उसका आवाज़ सुना है या फिर नहीं सुना है, प्लीज़ यार कमेंट जरूर से ज़रूर करना। और गाइस आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग अपना ओपिनियन दो, क्या करेक्टर वॉइस सिस्टम हम लोग को गेम के अंदर OB19 के अपडेट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल के आता फ्रेंड्स, वो है डबल सीटर इन बाइक के बारे में। तो गाइज आप लोग को पता होगा फ्री फायर गेम के अंदर अगर हम लोग बाइक में बैठ गए तो दूसरा बंदा बाइक में नहीं बैठ सकता, तो ये जो फीचर फ्रेंड्स फ्री फायर गेम के अंदर नहीं आई है, बट यार जब आलो करेक्टर आने वाला था उसी वक्त ट्रेलर में एक सीन हमें दिखाया गया था जहाँ पर जो भी फीमेल करेक्टर है वो बाइक में बैठ कर जाती है। गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो मैं इस सीन की बात कर रहा हूँ,
तो यार हो सकता है OB19 या फिर OB20 के अपडेट में हम लोग को एक और फीचर गेम के अंदर देखने को मिला है, और यार वहाँ पर ये सारी ऑप्शन हो जहाँ पर हमारा एक और करेक्टर, जो भी दो करेक्टर हों वो एक ही बाइक में बैठ जाए। तो यार ये जो फीचर फिलहाल फ्री फायर गेम के अंदर नहीं आया, और इसकी भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आने की। अब देखना ये है यार ये सारी फीचर गेम के अंदर कब तक आती हैं। वैसे तो भाई इसके बारे में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा फीचर गेम के अंदर गहना वाला डालेंगे, क्योंकि यार कुछ मेजर सा अपडेट नहीं है। वैसे भी दो बंदे बाइक में बैठकर क्या कर लेंगे, दोनों का खोपड़ी फूटेगा कोई बंदा ओम से मारा तो, सीधी सी बात है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है यार ये फीचर शायद से गेम के अंदर नहीं आ सकता। बट यार जो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो भी ट्रेलर वगैरह दिखाई गई हैं, जो भी छोटा सा एनिमेटेड सीन दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, शायद से ये सारी फीचर्स भी हम लोग को गेम के अंदर देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है गाइस, प्लीज़ यार अपना ओपिनियन ज़रूर से ज़रूर देना। तो यार बात की जाए अगले अपडेट की, तो वो है इंटरचेंजेबल पेट स्किल। तो यार इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक मुझे पता नहीं यार, मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ पेट का डबल स्किल स्लॉट हम लोग को गेम के अंदर जल्द ही देखने को मिल सकता है OB19 के अपडेट के बाद। और यार इसका जो लीक है ना, मैंने बहुत पहले आप लोग को दे दिया है वीडियो में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज। इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है पेट का सेकेंड स्किल स्लॉट आने वाला है, या फिर इंटरचेंजेबल स्किल का कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा गेम के अंदर, जिससे हम लोग पेट एक ही पेट को रखकर दो पेट का स्किल उसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। एंड गाइज करेक्टर का जो भी 4 स्किल स्लॉट आने वाला है उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया, और यार फुल प्रूफ के साथ गरीना वालों ने ऑफिशियली ये सारी चीज़ें कंफर्म की हैं, और मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो देख लेना, सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सब कुछ प्रूफ वगैरह दी हुई है मैंने आप लोगों को दिखाया है। और आप लोग चाहो तो उस वेबसाइट पर विजिट करके, गरीना फ्री फायर का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करके आप लोग उन सारे प्रूफ्स वगैरह को देख सकते हो। तो फिलहाल ये दो अपडेट फ्रेंड्स कंफर्म हो चुके, करेक्टर का फुल स्किल स्लॉट हम लोग को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड गाइस पेट का सेकंड स्किल स्लॉट, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं पेट का इंटरचेंजेबल स्किल कुछ ऐसा निकल कर सामने आएगा, जहां पर हम लोग एक पेट के अंदर दो पेट का स्किल रख पाएंगे। तो ये जो फीचर फ्रेंड्स गेम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा OB19 के अपडेट के बाद। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, अगर पेट का डबल स्किल स्लॉट आता है तो कौन सा पेट का स्किल आप लोग रखना चाहोगे उस स्किल स्लॉट के अंदर। तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यार नेक्स्ट अपडेट में जाने से पहले मैं आप लोग को एक बोनस अपडेट देना चाहूँगा। तो गाइज़ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एक्सक्लूसिव जंप मॉड जल्द ही गेम के अंदर वापस आने वाला है, ऐसा लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है फ्रेंड्स। और यार ये लीक अदर कंट्री के सर्वर का है, तो इंडियन सर्वर में आएगा भी या फिर नहीं आएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। बट यार इंडोनेशियन सर्वर में जो भी इवेंट चल रहे हैं ना, बहुत बार ऐसा हो चुका है इंडियन सर्वर में भी वो आ रहा है। पहले तो ब्राज़ीलियन सर्वर का इवेंट इंडियन सर्वर में आता था, बट यार अब इंडोनेशियन सर्वर का भी इवेंट ना हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिल रहा है। तो गाइज उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ शायद से हो सकता है एक्सक्लूसिव जंप मॉड फिर से हम लोग को गेम के अंदर देखने को मिला है। तो यार जो भी बंदे एक्सक्लूसिव जंप मॉड को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। और यार अगर आप लोग को ये न्यूज़ पसंद आया भाई, आप लोग वीडियो को लाइक करो, जल्दी ये एक्सक्लूसिव जंप मॉड गेम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और हम लोग इसका मज़ा ले पाएंगे। और साथ में यार इसी मॉड के साथ साथ कुछ इवेंट भी चलेगा, शायद से कुछ मिलेंगी हम लोग को एक्सचेंज करने के लिए, किल करने पे कुछ मिलेगा या फिर कुछ ऐसा चलेगा फ्रेंड्स, जो कि अदर कंट्री के सर्वर में निकल कर आया है। तो इंडियन सर्वर में आएगा भी या फिर नहीं आएगा गाइस इसके बारे में मुझे नहीं पता है। आ जाता है फ्रेंड्स तो समझ लो इवेंट भी साथ में ही आएगा, अगर नहीं आया फ्रेंड्स तो समझ लेना एक्सक्लूसिव जंप मॉड भी इंडियन सर्वर में नहीं आने वाला। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, क्या ये एक्सक्लूसिव जंप मॉड इंडियन सर्वर में आएगा या फिर नहीं आएगा, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपडेट की। तो अगला जो अपडेट निकल कर आता फ्रेंड्स वो है बैकपैक के रिगार्डिंग एक नए फीचर की, और यार इसका भी जो पॉसिबिलिटी ना वो एकदम बहुत ज़्यादा हाई है गेम के अंदर आने की OB19 के अपडेट के बाद। गाइज आप लोग को पता होगा कोई भी वेपन का स्किन दिखाया जाता है, उसके बाद जैसे हम लोग उस बटन पे स्विच करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि कोई भी करेक्टर उस वेपन को लेगा तो वेपन कैसा दिखेगा, करेक्टर उसके साथ कैसा दिखेगा, इस टाइप का गाइज आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ फीचर बैकपैक के साथ होने वाला है, एंड गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो सिंपल से यहाँ पे बैकपैक दिखाया जा रहा है, और जैसे आप लोग इस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहन के वो बंदा दिखाएगा बैकपैक कैसा दिख रहा है लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे। क्या मस्त सा फीचर आने वाला है यार, ये फीचर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और यार हम लोग ये देख पाएंगे कि बंदा जब उस बैकपैक को पहनेगा तो लेवल 1 पे कैसा दिखेगा, लेवल 2 पे कैसा दिखेगा, लेवल 3 पे कैसा दिखेगा। और यार सही माने में देखा जाए ना तो गरीना वालों को ये फीचर बहुत पहले प्रोवाइड करा देना चाहिए था, क्योंकि यार वेपन जो है, वेपन का स्किन चाहे जैसा भी हो यार,
बंदा अगर हाथ में पकड़ता है तो अच्छा ही दिखता है वो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। बट यार बैकपैक में ये सारी चीज़ें पहले अवेलेबल करा देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं यार, दे रहा है दुरुस्त है और गहना वाले अच्छी अच्छी चीज़ें अब जाकर दे रहे। और बैकपैक को ख़रीदने से पहले फ्रेंड्स आप लोग भी देख पाओगे क्या वो बैकपैक अच्छा लगेगा किसी करेक्टर के अंदर या फिर नहीं। इससे गाइज एक और फ़ायदा हम लोग को ये हो सकता है कि कौन सा बैकपैक कौन से करेक्टर के कॉस्ट्यूम के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल है या फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, उस टाइप का हम लोग जो भी बैकपैक है उसको ले पाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मान के चलो मैंने जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, नाइट क्लोन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, उसके साथ अगर मैं कोई और बैकपैक रखूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यार मेरे पास एक जोकर का कॉस्ट्यूम बैकपैक अवेलेबल है तो उस जोकर वाले कॉस्ट्यूम के साथ मैं जोकर वाला बैकपैक रखूँ तो यार सोचो कितना मस्त लगेगा ना। तो कुछ इस टाइप का जो भी सारी चीज़ें फ्रेंड्स वो निकल कर सामने आई हैं और ये फीचर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स गेम के अंदर, OB19 के अपडेट में। और अच्छा है यार, चलो कुछ तो यूनिक आ रहा है ना। खैर यार ये सारे अपडेट्स थे जिसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है गेम के अंदर आने की OB19 के अपडेट के बाद। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब कि फ्रेंड्स 80 से 90% तक चांसेस है OB19 के अपडेट के बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें गेम के अंदर देखने को मिलेंगी। अदरवाइज यार हो सकता है OB20 के अपडेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दिया जाए। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है इन सारे फीचर में से कौन सा फीचर गेम के अंदर नहीं आने वाला और कौन कौन सा फीचर गेम के अंदर आने वाला है। प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना और आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना भाई, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर से ज़रूर करना। तो बस यार वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइज हमारा एक फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम भी है जहाँ पर मैं फ्री फायर के रिगार्डिंग बहुत सारे लीक्स वगैरह डाला करता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाता लीक्स की, तो मैं जो भी फोटोज़ वगैरह होता है मैं अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करता हूँ या फिर इंस्टा पर पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से आप लोग लीक्स वगैरह बहुत सारे ले सकते हो फ्री फायर की। और यार हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर मैं गेम प्ले की वीडियो वगैरह डाला करता हूँ। तो सब कुछ का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। पसंद आए तो फॉलो कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस यार मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।